पूछू मैं हारी हूँ, हारी नहीं हूँ, मतलब मेरा सिल्वर आया था एक्चुअली में। हारना ही हुआ हारी नहीं हो तो सिल्वर क्या हुआ था उस मैच में, बयां करें कुछ। आज के हमारे एपिसोड में एक नहीं दो गेस्ट हैं और दोनों ब्लैक बेल्ट हैं और दोनों ही इंस्टाग्राम पर सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड लेसन्स देते हैं और सिखाते हैं लोगों को कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, कैसे एटलीस्ट रिएक्ट कर सकते हो, क्योंकि बचाना और कैसे दूसरे आदमी की ऐसी तैसी करनी है वो तो अब बहुत एडवांस वर्जन है, पर एटलीस्ट आपको रिएक्ट कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है और उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। और सेल्फ डिफेंस में है तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बातें करेंगे, हम उनसे उनकी जर्नी जानेंगे, हम उनसे जानेंगे कि क्या कैसे कैसे उन्होंने ये कैसे कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्या सेल्फ डिफेंस में ही उनका इंटरेस्ट था और भी बहुत सारी बातें। तो लेट्स हियर फ्रॉम नेहा एंड निखिल। हाय नेहा निखिल, आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो हाय। हे तो क्या चल रहा था आज, कैसे जा रहा था संडे, क्या प्लान है आज के? रेस्टिंग डे, रेस्ट हो रही थी आज। रेस्ट में हम बोले तो क्या करते हैं, साथ साथ में प्लान किए हैं बहुत सारे कि आज क्या करना है क्या नहीं। मैक्सिमम बिजी डे रहता है, आज के दिन हम मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड्स करते हैं। अच्छा, जो हमें करना सही कंटेंट, तो रेस्टिंग डे एक तरीके से ये भी रेस्ट नहीं है फिर, ये भी कंटेंट क्रिएशन डे है। हाँ, रेस्ट नहीं है संडे डे, रेस्ट मतलब बिजी कर रहे हैं आज भी। मुझे लगता है जब से आप लोग इंस्टाग्राम पे इतने, आई थिंक 253K फॉलोअर्स है आप लोगों के इंस्टाग्राम पे, राइट? तो एक वो अलग सा एक वो कहते हैं ना कि अलग सा हिट है कि हमको अब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो उसको उनको बताना है, उनको दिखाना है कि देखो हम बार बार डिलीवर कर सकते हैं। तो वो भी एक पैशन, वो भी एक क्या कहते हैं फ्यूल होता है जो आप लोगों को संडे को भी ये काम करने को बोलता है कि यार बना लेते हैं ना, दिखा देंगे और कुछ नया सोचते हैं। तो ये चलता रहता है, कैसे क्या है कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस आपका, कैसे री इन्वेंट करते हो? हाँ, हम लोग ट्राई करते हैं, सबसे पहले तो यही चीज देखते हैं कि ज्यादातर हम देखते, पहले हमारा ये था कि हम खुद ही बनाते थे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आ गई क्या होगा। तो देन एकदम से फिर हम, जब हमारा लेवल अप हो गया तो फिर अब हम क्या करते हैं, लोगों के मैसेजेस को देखते हैं। हाँ, कि बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करें, ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करें। तो हम क्या करते हैं, कोई एक डे डिसाइड करते हैं, संडे या फिर किसी भी दिन जिस दिन हम फ्री होते हैं, तो हम वो मैसेजेस को रखते हैं अपने पास। तो फिर हम जिस दिन हमें कंटेंट बनाना होता है तो हम उन्हीं मैसेजेस को लेके, फिर उन्हीं के मैसेजेस को लेके हम कंटेंट को तैयार करते हैं। तो इसी तरह से हम उनको बताते हैं और सिखाते हैं कि हाँ ऐसे में आप रिएक्ट कर सकते हो, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने देखा है बहुत चीज़ नोटिस करी, मैंने पहले वीडियो देखी, मेरे दोस्त ने आपकी आपका पोस्ट शेयर कर रखा था स्टोरी पर, तो बड़ा सिंपल रखा है टाइम, मतलब कोई ऐसा हाई फाई नहीं है कि आप ये वो करो, आपने अपने बेसिकली मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ, तो नेहा निखिल की छोटी बहन है बट ये दोनों सेम एज लगते हैं, मुझे तो देख के लगा कि ये दोनों बराबर ही है, बट मुझे बड़ा भाई वाली फीलिंग आ नहीं रही, वो ऊपर से छोटा भाई और लग रहा है। नेहा मेरे को बाद में मारना मत प्लीज, बट छोटा भाई मतलब बराबर वाली एज, ऐसा मतलब आप भी बुढ़ी नहीं लग रही हो पर ठीक है, मतलब एज डिफरेंस की बात चल रही है। तो एज 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 में कोई फर्क नहीं लग रहा है, मैं उस रेस्पेक्ट में बोल रहा था। तो खैर, तो कहा तो मैं भूल जाता हूँ, हाँ तो हम उस पर, मैंने पोस्ट, उसने पोस्ट देखा मैंने उसका, आपका विदाउट सिंपल एकदम, कोई स्टोरी लाइन ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा लंबा हम वो कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, सिंपल उसके बाद उसने एक्शन करके बताया कि ऐसा होता है और ऐसा हम रिएक्ट करना है उस सिचुएशन में। तो ये स्क्रिप्टिंग आप पहले करते हो या आइडियाज़ कैसे बनाते हो आप, मतलब इसको कहते हैं ना कि एक फोटोग्राफिक मेमोरी में कैसे ढालते हो अपने विचारों को, तो वो कैसे करते हो? एक्चुअली में तभी सब कुछ आता है जब हम एक्शन पर रिएक्शन करते हैं। अच्छा, तो कभी कभी चोट लगी है? चोट लगी है? लगती है, हर बार लगती है, इसको भी लगती है और मुझे भी लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी मारना होता है, पहले मैं मार खाती हूँ फिर मैं इसको मत
क्योंकि जब भी हम कोई भी एक्शन करने लगते हैं तो सबसे पहले मैं इसको खुद करके बताता हूँ, तब मैं नेहा बन जाता हूँ और ये अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसको बताता हूँ कि मैं ऐसे करूंगा, हाँ। तुम ऐसे करोगे, तो मतलब पहले मैं इसको मार लेता हूँ फिर मैं मार खाता हूँ, मैं कोटा पूरा तो वो फिर हाँ बराबर, हाँ बराबर हो जाता है। और फिर ये है कि बस हम बेचारों को, हम लोगों को वो दिखता है जो कैमरे पर पिट रहा है, लेकिन बैक बिहाइंड द सीन तो बिहाइंड द सीन तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस में तो कोई बहुत बार पिट चुका है, किसे पता है। बट हाँ अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब, अगर घर वालों को पता है, पहले हम उसकी बात करते हैं, घर वालों को पता है कि हमारे, सबको पता है ज्यादातर, अच्छा सबसे पहले, सबसे पहले नहीं वो इतने लंबे घर वाले नहीं जाएंगे हम, पर जो क्लोज है मम्मी पापा और ये सब, और हाँ अच्छा, और सिबलिंग्स आप दोनों ही हो या फिर कोई बड़ी बहन और ऐसा कुछ, या दो ही भाई, मतलब दो भाई बहन? हम दोनों रियल ब्रदर सिस्टर, हम दोनों ही है, ऐसे कजन सिस्टर हैं, दो हैं सिर्फ। नहीं कजन, कजन पास में रहते क्या? हाँ मतलब हम क्लोज हैं बहुत ज्यादा, हम ये नहीं कहते कि हम दो हैं हम चार हैं। अच्छा वैसे, अच्छा हाँ ठीक है बढ़िया। तो घर वालों में हम मम्मी पापा को कंसिडर करके चल रहे हैं कि उनको सब पता है ये बच्चे कैसे लगे पड़े हैं, कैसे कंटेंट बन रहा है, उन वो आपके प्रोसेस को देखते रहते हैं। पापा को ज्यादा पता है, डैड को इतना नहीं पता है। पापा को भी पता है बट पापा ज्यादा हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होते, मम्मा बहुत ज्यादा, मम्मा तो खुद अब जब ये हो रहा है हमारा हाँ। जितना भी रिकॉर्डिंग ये अपलोड होगा, बाकी किसी का मुझे पता नहीं, मम्मा सबसे पहले देखेंगे। हाँ ये होता है ना, आंटी को बोल दो कि शायद मत करना आप लोगों को, मतलब करते नहीं होंगे अब तो आदत हो गई होगी, आप लोग बहुत बुला चुके हो, पर हम करेंगे ही नहीं ऐसी अनसंट बातें जो उसकी वजह से हमें चप्पलें पड़ जाएं, तो हम इसीलिए तो ठीक है। बट तो हाँ, तो मम्मा को जो पता चला पहले, और सबसे पहले आपने बताया, किसने बताया, मम्मी को ही बताया वो सबसे पहले, क्योंकि पापा को तो, पापा का वो सीन रहता है बाद बताते हैं। हमने तो बताया, हमने तो बताया नहीं, तो हम तो बस ऐसे ही बनाने लग पड़े, तो मम्मा ने भी कहा कि नहीं अच्छा है बनाओ तो क्या है, तो हमने बोला ठीक है बना रहे हैं तो और बनाते हैं और अच्छा करते हैं, देन जब फिर थोड़ा सा प्रमोट हुए तो फिर मम्मा कहते नहीं इसको और अच्छा करो, तो उन्होंने तो हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि हाँ करो 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 ये सपोर्ट नहीं, ये मस्का नहीं लगाना है, देखो सामने बैठे ठीक है, बट जब सबसे पहली बार वीडियो दिखाया तो घर वालों को, हमको पता है ना, हमको लगता है कि अरे वाह कितना फेम मिल रहा है, पर उनको लगता है कि हाँ ठीक है देखे तो, तो 100-150 लोगों ने देख लिया क्या, एक हम बोलते 150K ने देख लिया, अरे 150K नहीं 100, हाँ ठीक है ठीक है, उनको फिर हम, उनको हमारी खुशी से खुशी मिलती है कि अच्छा ये इतना खुश है ना, इसको लग रहा है कि मिलियन बहुत बड़ा है, तो चलो हम भी खुश हो जाते हैं कि मिलियन है बड़ा ठीक है, तो वो घर वालों का ये वाला सीन हो जाता है, मम्मी लोगों का ज़्यादातर कि अच्छा इस, ये खुश है, ये इतना खुश हो रहा है तो मैं भी रिएक्ट कर देती हूँ इसकी, इसकी खुशी के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए तो क्या। हमारे हमारे यहाँ हमारे घर पे ऐसा नहीं है, हमारे घर पे मम्मा का, मम्मा तो खुश होते हैं बहुत, देख वो एक्चुअली स्पेशली दिखाते हैं, तुमने देखा तुम्हारे वीडियो पे इतने व्यूज आए हैं, इतने लाइक, ये है कि पापा का है, पापा ऐसे कभी, पापा इतने इन्वॉल्व नहीं है सोशल मीडिया, पापा इतना भी बोलते हैं कि क्या करते रहते हैं वीडियो बनाते रहते हैं, काम करना नहीं बोलते, हमारे उल्टा है, हमारे मम्मा नहीं बोलते, पापा बोलते हैं, पर ये ठीक है, ये पापा लोगों के पास से ये कमेंट भी आ रहा है ना बहुत होता है, क्योंकि चलो तुमने देख लिया और एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं, मतलब एटलीस्ट फीडबैक मिल गया, हमको नहीं चाहिए तारीफ, क्योंकि अगर आपने तारीफ कर दी तो हमें लगेगा टोंट, कि टोंट मार के चले गए कि बहुत बढ़िया बना रहे हो पर हमको चाहिए यही कि क्या करते रहते पता नहीं, बस इतना ही चाहिए, बट अच्छा लगा। पापा ने कभी मना भी नहीं किया ये कि डायरेक्टली आके मम्मी मना किया कोई ये नहीं करना, हम बना रहे होते हैं कई बार पापा के सामने बना रहे होते हैं, तो पापा ने कभी मना भी नहीं किया, तो हमारे लिए वो भी बहुत है कि मना भी ना किया, बस इससे मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो हमने शुरुआत कैसे करी है ये सेल्फ डिफेंस का, आखिर में ये चस्का बोले या फिर इसकी जरूरत कैसे लगी, आपकी जिंदगियों में सेल्फ डिफेंस कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुई, तो निखिल से शुरू करेंगे फिर नेहा बता सकती है। शुरुआत बचपन से, हाँ बचपन में वही आ गया मूवीज एक्शन और क्या है उसमें कौन सी, तो हमारा इतना कुछ है नहीं था, तो मूवीज वगैरह मतलब ऐसे ही, क्योंकि हमारा घर है अकेला, मैं रियल हमारे क्या है गांव से हम थोड़े बाहर हैं, तो हम, मैं एक अकेला लड़का हूँ अपने घर से, और बाकी सारी बहनें हैं, ये भी मेरे से छोटी है और मेरे से एक मेरी एज की है, तो वो उनके साथ मेरी काफी इन्वॉल्व, हम ऐसे ही खेलते रहते, इन्होंने खेलना क्या, अब
हमारे टाइम पे क्या गेम्स क्या होती थी, कहाँ से छोटी पकड़ मोटी पकड़ गेम्स करना एक दूसरे, अब चार हैं हाँ तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ, स्कूल ये घर घर टाइप की जो बनाते होती है। हाँ थे पेपर्स की, तो हाँ यही होती थी, तो मैं अकेला होता था, मैंने खुद ही क्रिकेट खेलने लग पड़ना, खुद ही बिल्कुल कभी स्टिक के साथ ऐसे घुमाने लग पड़ना, तो कीड़ा तो स्टार्टिंग से था कि हाँ हाँ भाई ऐसे वो फाइटर बनना है, बिल्कुल एक्शन करनी है, तो मैंने उसके बाद थोड़ा स्कूल्स में, हमारे स्कूल में कौन हमारे आया था, एक मिनट रोकना पड़ा, कौन कौन देखा था एक्शन हीरो सबसे पहले, जो ऐसा अक्षय कुमार टाइप या अक्षय कुमार, मेरा था ही अक्षय हाँ कुमार, अच्छा तब पता नहीं कौन, एक मूवी थी, मेरे को मूवी का नाम नहीं जाता है, उसमें अक्षय कुमार ने रोल भी फाइटर का ही लिया था, जिसमें उसने खिलाड़ी घुंघरू बजाए थे, और जब वो उसको ब्लाइंड हो गया था, हम लोग कुछ ऐसी मूवी थी तो वही देखी थी, और मेरा अक्षय कुमार ही था उस टाइम पे, था ही ये कि अक्षय कुमार, अक्षय कुमार ही पर था हमें। वही हाँ था हमारे बिल्कुल अच्छा। तो टाइम पे, तो अक्षय कुमार था। और खिलाड़ी मूवी उसकी इतनी सारी खतरनाक मूवी है कि वो, और किक वाला जो सीन है ना, अक्षय कुमार जो किक मारता है, फ्लाइंग किक, जो हमको बचपन से चस्का लग जाता है, दोस्त मिल जाए कहीं भी हम उसको लगा देंगे फ्लाइंग किक, प्रैक्टिस करते रहेंगे कि चल भाई भागते हुए आएंगे और उड़ते हुए फ्लाइंग किक वाला जो हमको एक्शन समझ में आता सबसे पहले। तो अच्छा उस समय तो हमको, आप लोग, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि ये मेरे को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि अकेले, जैसे हमने बोला कि हम लोग बचपन में अकेले होते हैं तो दीवार पे बॉल मार के कैच कैच कर रहे होते हैं, फिर बैट ले लेते हो तो दीवार पे बॉल मार रहे हैं, फिर बैट से मार रहे हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि यार सही है गेम, पर धीरे धीरे हमारे दोस्त बनते हैं स्कूल, जैसे आप स्कूल की बता रहे थे, तो स्कूल के टाइम पर स्कूल में जाके आपको पता चला होगा कि अच्छा ये भी कुछ हो रहा है सेल्फ डिफेंस जैसा, तो क्या था स्कूल में, स्कूल के कैसे गाइड किया आपको इधर? मेरे स्कूल में सबसे पहले मैं शायद 8th में था, हाँ 8th में था मैं, तो 8th में था, तो 8th में मेरे हमारा स्कूल में एक टीचर आए थे, पंकज मेहरा नाम था, वो एक ताइक्वांडो कोच, और ताइक्वांडो कोच थे मत्सुगुडू, और ताइक्वांडो कोच हैं थे वो, तो उन्होंने आए स्कूल में, तो हमारी फर्स्ट क्लास, हम शायद हमारी फर्स्ट थी सेकेंड थी वो मुझे इतना पता नहीं, तो जब फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ली, तो क्लास में हमें प्रैक्टिस थोड़ा करवाई, तो क्या होता है, एक तो होता ना कैसे टीचर्स को होता है कि एक अच्छा प्लेयर वो देख लेते हैं, हाँ तो मैं स्टार्टिंग से बहुत फ्लेक्सिबल था, तो मेरी फुल स्ट्रेचिंग तब भी होती थी, ठीक जो है लेग स्ट्रेच होती है वो मेरी तब भी होती थी, तो मैं थोड़ा सा गैप रहता था, तो पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही था जिसने अच्छा किया, उन्होंने क्या किया, मेरे को उठाया और सबसे आगे ले गए कि चल अब तू सबको करके दिखा, तो वो एक ट्विस्टिंग पॉइंट था जो वो पहले दिन हीरो बन गए में ना, हीरो बन गए ना, हम, एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गया कि अरे यार हाँ, तो क्लास के वह हीरो, हाँ सबको एकदम, हमें वो चाहिए भी होता है पूछना कि ये लड़का, हमने हमने सबको सबसे अलग हमने इस काम में किया है, फिर उन्होंने मोटिवेट करना शुरू किया, फिर कैसे पहला स्टेप क्या था। ठीक है फिर जब वो हुआ तो उस टाइम पे हमारे ट्रायल्स थे, फिर सर ने बोला कि ट्रायल्स हो रहे हैं, हम नॉर्थ जोन जाएंगे, नॉर्थ जोन दिल्ली होना था, तो उधर जाना है, तो उधर से अगर तुम उधर अगर जाओगे तो तुम्हारा वहां पे खेलना पड़ेगा, तो देन मेडल मिलेगा, तो फिर मैंने आके घर पे बोला सीधा, मम्मा ने मम्मा को बोला, क्योंकि मैं मम्मा के ज्यादा क्लोज हूँ, मैंने मम्मा को बोला मम्मा ऐसे ऐसे चीज हो रही है तो मुझे खेलना है, तो मम्मा बोलते ठीक है तो मैं तेरे पापा से बात करता हूँ, तो मम्मा ने पापा से बात कर ली, मैंने पापा से बात की, पापा कहते ठीक है ले चले जा, तो फिर वहां पे गया मैं, तो वहां पे मैं, मेरे को याद है मेरा फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल निकला था, मतलब अरे उधर से वाह जा 2 महीने हमने प्रैक्टिस करी, तो 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद फिर फर्स्ट टूर्नामेंट मेरा नॉर्थ जोन था दिल्ली, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल निकला था, तो और देन ये एट्थ उसके बाद क्लास जन, और ये एट्थ हाँ क्लास है, 8th क्लास में था, और पहली बार शायद, पहला पहला ट्रेवल होगा ना बेसिकली। और हमारे स्कूल का पहला मतलब 5 लड़के थे हम उस टाइम पे, कोई लड़की भी नहीं थी, हम 5 लड़के ही गए थे, तो हम 5 लड़कों में सिर्फ 2 लड़के थे जिनका मेडल आया था, क्या बात है क्या बात है। था शुभम, हाँ इसी के शुभम क्लास का था लड़का हाँ शुभम, तो हम 2 का मेडल आया था, और हम पहले स्कूल के थे, पहले बंदे जो बाहर जाके अपने स्टेट से मेडल बाहर जाके मेडल लाया, दूसरे तो दूसरे तब स्टेट, इसको इसको तो हम इसको हम अपने मन में बोलते हैं, दूसरे स्टेट वालों को हरा के लेके मेडल लेके आए थे हम थे वो पहले हाँ बंदे। तो ऐसे ही लगता है, तो वैसे ही होता है फिर जब हम, जब आप, पहली बात तो 8वीं क्लास मतलब 8th क्लास की बात है, और बच्चा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और
पहली बात तो घर वालों ने अलाउ कर दिया कि जाओ, और मेरे को लगता है हमने ये फैक्ट रखा नहीं है कि आप लोग जम्मू से बिलोंग करते हो, तो जम्मू से दिल्ली शायद आना तो कितने घंटे, मतलब मेरे को लगता है 3-4 घंटे तो है ही आराम से। हाँ, आराम आठ से 8 घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे लगते हैं। हाँ, 8 घंटे लग जाते हैं। और उस टाइम ट्रेन से आए होगे आप, वाया ट्रेन आए होगे? बाय स्लीपर आए। अच्छा, क्योंकि हमारी जो स्टेट थी उन्होंने जितनी भी टीम थी उसके लिए एक बस स्लीपर गई हुई थी, तो अच्छा, एक तो उससे तो और ज़्यादा टाइम लगा होगा, उससे तो और ज़्यादा टाइम लगा होगा। हाँ उसे ज्यादा टाइम लगता है, हाँ बिल्कुल। उसके 8 घंटे लगते हैं, अगर बाय ट्रेन जाओ तो सिर्फ 6 घंटे में पहुंच जाते हैं हाँ, इंसान। और फिर जब जा रहे होगे तो आपको याद है वो पूरी ट्रिप याद है कुछ? हाँ बड़े अच्छे से, फर्स्ट ट्रिप कौन भूलता है, फर्स्ट ट्रिप वो भी हाँ बिना घर वाले के, बिल्कुल, अब खुल शूट 5 दिन का टूर था वो, मेरे को आज भी याद है बिल्कुल। हर चीज। प्लीज प्लीज इसको हमको हमको रूबरू कराइए, हमें बताइए कि क्या 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 कैसे शुरू हुआ कैसे। पहला मेरे को याद है कि हम स्लीपर में गए थे, तो स्लीपर में हम पहुंचे थे वहां पे हम सुबह पहुंचे थे मॉर्निंग में, तो तब ठंड थी, हमारे दिसंबर के महीने थे मेरे को याद है, और दिल्ली की ठंड भी तो हाँ खतरनाक ठंड है वहां पे, तो वहां पे ठंड में पहुंचे थे हम। पहुंचे वहां पे, काफी अच्छा स्टेडियम था, राजीव गांधी स्टेडियम है ना, हाँ राजीव गांधी स्टेडियम। स्टेडियम था वहां का, तो वहां पे तो पहुंचने के बाद फिर पहले तो हमारे कोई दोस्त था नहीं वहां पे, तो फिर धीरे धीरे हम 5 ही बंदे थे, तो हमारे 5, हमारे जो कोच थे उनकी और भी टीम आई हुई थी, फिर धीरे धीरे हम वो से इंट्रोड्यूस होने लग पड़े धीरे धीरे, तो फिर हम लोग जब इंट्रोड्यूस हुए फिर वहीं पे हमारा कॉम्पिटिशन होता, तो वहां पे हमने देखे ब्लैक बेल्ट्स जो पहन के वहां प्रैक्टिस कर रहे थे, 5-6 सीनियर थे, अब तो वो कोच बन चुके हैं, तो उनको देखा, मतलब एक्सपीरियंस कहना हो कि इतना अच्छा था ना कि हमें समझ आया कि बाहर जाके किस तरह से हमें रहना है और किस तरह से अपने आप को देखना है, कि अब हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जब भी कोई बच्चा होता है, जो स्कूल में था कि हम बिल्कुल, मैं कुछ बोलता भी नहीं था, ज्यादा बात नहीं करता था, वो नेशनल जो ट्रिप हुई उसके बाद ऐसे लगा कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही स्टार। हम हाँ ही सारे हैं, फिर वहां पता मतलब एक अलग सी वाइब होती है कि हाँ भाई अब हम बड़े हो गए, मतलब उधर से एक हार्मोन जागता है कि नहीं यार हाँ अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अब तो हम कहीं पर भी जा बिल्कुल। सकते हैं, तो वो था, वो ट्रिप बड़ा चेंजिंग था मेरी लाइफ तो का। मेडल लाया, उसके बाद मैच मैच चल रहे थे, देखो मैच पे आते हैं ना, क्योंकि अभी हम पहुंच गए स्टेडियम, मैच का स्केड्यूल लग गया होगा कि ये बंदा इससे ये बंदा इससे, तो फिर पहला मैच हो गया तो कैसे कैसे, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल में हमको ब्रॉन्ज से समझ में आता है कि एक आध जीत है और शायद कुछ आपको लॉस भी लगी है, तो उसमें उस रिकवर करना, क्योंकि मेडल लेके आना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन आदमी तो गोल्ड के लिए ट्राई करता है, सब सब जाते हैं गोल्ड के लिए, तो फिर नहीं, किस सबको नहीं मिलता गोल्ड, किसको मिलता है किसको नहीं, तो जिसको नहीं मिल रहा है वो बेचारा मेडल तक रुक रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डाउनफॉल तो बिल्कुल आप बिना मेडल के भी आ सकते हो ना, तो वो उस टाइम पे अपने आप को संभालना, तो वो क्या किया था, पहली लॉस से कैसे रिकवर किया उस एज पे? मेरे लिए तो पहला मेडल ही सबसे इम्पोर्टेंट था, जब मैं, मेरे को याद है जब मैं जा रहा था नेशनल, जा रहा था नेशनल, जाने से पहले तो मैं पापा से मिलने जा रहा था 1-2 दिन पहले, पापा, हमारे पापा की दुकान थी, तो पापा की दुकान पे जा रहा था, तो पापा के दोस्तों ने मुझे बताया था कि पुत्र जीत के आना, अगर जीत के नहीं आया तो तेरे पापा ने जो पैसे, बल्कि पापा, उन्होंने बताया था कि पापा ने उधारी में पैसे लिए हैं तेरे को भेजने के लिए, तो बोला था कि अगर तू जीत के आया तो वो उधारी खराब हो जाएगी, तो मैंने बोला सही। चलो, मैंने तब यही सोचा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे गोल्ड है चाहे सिल्वर है चाहे हाँ ब्रॉन्ज है, इनमें से कोई भी है मेडल तो निकालना है। सही बात देन है। आज भी याद है जब फर्स्ट फाइट आई थी ना, तो कसम से वो डर आज भी याद है, कि इतना डर लगा था कि मन कर रहा था कि पीछे हट जाऊं, बट फिर वही याद था कि अगर पीछे हट गया तो जो पैसे पापा के वेस्ट करे हैं तो उसका कुछ नहीं बनेगा, तो मैंने बोला चलो अब आ चुके हैं तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा। एंड पहली फाइट मुझे आज भी याद है, मैंने बड़ी मुश्किल से जीती थी बहुत, क्योंकि फर्स्ट जब कोई भी फाइट होगी, जब आप पहली फाइट जीत जाओगे ना, उस टाइम पे डर होता है, बहुत ज्यादा डर होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो होता है, तो अगर आप पहली फाइट जीत गए तो आपका कॉन्फिडेंट 110 हो जाता है, फिर तो कहो आगे कोई भी आए। पहली फाइट हुई, बड़ा डरा हुआ था, तो कैसे कैसे करके मैं जीत गया। देन दूसरी फाइट आई, दूसरी फाइट में मैंने पूरा दम लगाया, वो भी जीता। तीसरी फाइट थी मेरी सिल्वर की, क्योंकि दूसरी फाइट में मेरा ब्रॉन्ज निकल गया,
तो तीसरी फाइट थी मेरी सिल्वर की। जब मैं सिल्वर की लड़ने लगा तो वो अगला जो था ना वो रेड बेल्ट था, उस टाइम पे मैं व्हाइट बेल्ट, वो रेड बेल्ट। मैंने वो बेल्ट देख के मेरी हालत खराब, मैं भाई अब तो गया मैं। बट सही मैंने बात। लड़ा, बल्कि मैंने मतलब पूरी पूरी जान लगा दी, इतना खतरनाक लड़ा कि मैं अगला रोने लग पड़ा, अच्छा ये तो अच्छा मार रहा है। फिर जब सेकंड राउंड हुआ फिर उसने मेरे को मारना शुरू करा। पहले राउंड में मैंने उसको अच्छा मारा, जब सेकंड राउंड हुआ तो सेकंड राउंड में उसने बड़ा मारा। फिर तो देन वो लूजिंग करा, बट मेरे को था खुशी थी कि चल मेडल आ गया है, मेडल आ गया है, मेरे को मान लगता रहे है, हाँ कुछ नहीं, मुझे मेरे को लगता है मेडल व्हाइट बेल्ट के साथ, आपको। व्हाइट बेल्ट के साथ मेडल लाना ना मतलब बहुत बड़ी बात है, और टूर्नामेंट में जाके लेके आना, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी लोग आ रखे हैं ना, बड़े से बड़े तुर्रमखा बन के आएंगे। टूर्नामेंट में ऐसे कैसे भेज देगा कोई किसी को, जाते ही नहीं है। और रेड वही बेल्ट सब वाला तो समझ में आता है कि देख के ना आधा मैच तो वहीं पे लगता है कि यार ये बंदा बहुत पिटेगा, बट वो एक जो जोश होता है ना पिछली जीत का जोश, वही है। खैर अब नेहा की बात करते हैं। नेहा आप बताओ, आपका आपका ये तो मेडल तक, यहाँ हम स्कूल में इनके अचीवमेंट तक पहुँच चुके हैं, अब ऐसे ही एक आध हम नेहा को भी उस स्टेज तक लेके जाएंगे, स्कूल के एक्सपोजर तक, फिर उसके आगे फिर वहाँ से चलेंगे। तो नेहा आपका कैसे वास्ता हुआ इससे, भाई के बाद? मुझे पता है आपने पिछली बार बताया था, फिर भी आप एक बार बताइए। मैं मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं फाइटर बनी या फिर मैंने फाइट में ज्यादा इंटरेस्ट तब भी आया जब मैंने गेम ज्वाइन की, उससे पहले नहीं था। ऑब्वियस है, छोटी थी तो मैंने 7th में स्टार्ट किया था, मैं से 1 साल हम पीछे थी, नहीं, सेवन सिक्स 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 हाँ सिक्स 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 में में। स्टार्ट किया था मैंने, अच्छा 6th में स्टार्ट किया। देन मुझे हुआ कि अगर ये फर्स्ट नेशनल गया तो मैं तो पीछे रह गई हाँ तो मुझे भी था, बट इसका फर्स्ट नेशनल दिल्ली था, मेरा फर्स्ट नेशनल महाराष्ट्र था। सही बोलूं तो वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं था, बहुत गंदी जगह हम गए थे, सोलापुर ठीक है। बहुत गंदी जगह, वहां पर पानी भी नहीं था यार, पीने के लिए भी पानी नहीं था वहां पर। फैसिलिटी के हिसाब से गंदा ना, फैसिलिटी के वहां पर हिसाब। हाँ पाउच मिलते थे वो छोटे छोटे से, पॉट। दस हाँ दस हाँ हाँ ₹5 फुल वाले, जो मेरा बस स्टैंड पे पहला मिलते हैं, जो बस स्टैंड पे मिलते हैं ना वो वाले पानी के। बार। और मैं स्कूल में सबसे फर्स्ट फीमेल हाँ प्लेयर थी जो फर्स्ट, नेशनल, हाँ हाँ फर्स्ट लड़की थी जो जो स्कूल की पहले खेलने गई थी, पहला सबसे नेशनल पहले खेलने गई थी, पहला पहला लड़का मैं, नेशनल, दूसरा ये, तो ऐसा था। मेरा गोल्ड मेडल था मेरा शो ऑफ, शो गोल्ड ऑफ। मेरा गोल्ड मेडल था। बट तो फिर उस जर्नी मेडल पे, था। उस जर्नी पे जब एक तो टफ कंडीशंस, क्योंकि मुंबई हमको जैसे बेसिकली आप पहाड़ से हो, और मैं भी नॉर्थ, हाँ वही ना, मैं नॉर्थ साइड से हूँ, तो हम पहले वहाँ पर जाते ही हमको लगता है कि यार ये वो जगह है नहीं जहाँ से हमने प्रैक्टिस करी है, जहाँ हमको जाने पहचाने चेहरे नहीं दिख रहे, और मौसम भी थोड़ा ऐसा चिपचिप सा लग रहा है, और बंदे भी ऐसे ही है कि भाषा नहीं समझ में आ रही, और कुछ क्या बोल रहा है, थोड़ा अजीब, मतलब एकदम एनवायरनमेंट बिल्कुल एलियनेटेड टाइप हो जाता है। तो आपने वहाँ पे आपकी पहले जर्नी ट्रेन से, वाया ट्रेन कोच ही ले गए थे, कैसे गए थे? बाई ट्रेन ही गए थे हम यहाँ से, हाँ कोची नहीं, लेकर गए थे, ऑफ कोर्स कोची लेकर कभी छोड़ दिया हो जाएंगे कि तुम हो गए बेटा टीम थी चलो। हमारी, हाँ टीम में, बट ये था जब मैंने खेला था ना जिस गेम में मैं खेल रही थी वहां पर फीमेल्स का कंपटीशन थोड़ा कम था। अच्छा इसमें एक मेरे को ही क्वेश्चन, हाँ मशहूर हो गए आप लोग, सब जाने लगे इनको, निखिल को तो सब जाने लगे होंगे चेहरे से कि अच्छा ये वो बंदा मेडल लेके आया। फिर जिस टाइम पर नेहा गई होंगी, नेहा मशहूर होके आई होंगी, गोल्ड मेडल लेके आई होंगी, तो वो सेम लेवल का फेम था या फिर कुछ अलग हुआ? क्योंकि एक तो इस बट है फीमेल अगर जाएगी तो फेम ज्यादा होगी मैं बोलना नहीं चाहता था, पर ये ठीक है। सच पॉइंट है, है, ये लड़का पॉइंट अगर स्कूल में, अगर मैं जैसे हूँ, मैं अपने स्कूल में जब निकला तो मैं बेस्ट प्लेयर मेरा था, मतलब कई सारी चीजों में, डांस में है। मैं आगे था, ड्राइंग में मैं आगे था, मेरे को बेस्ट पोस्टर अवार्ड मिला है स्कूल में, मेरे को बेस्ट डांसर अवार्ड मिला है स्कूल में, मेरे को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है स्कूल में। मैंने भी वही अचीवमेंट जीती है जो इसने जीती है, बट हमें, हम लोग जानते थे इन्हें ज्यादा, ऐसा होता है लड़कियों के साथ तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अब क्या बोल मुझे सकते हैं, थी वो है वो लकी, अब क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं बस हम लोग तो, बस कि हाँ आप हो लकी और आपको लोग जानते हैं ज्यादा, हम मेहनत करेंगे और हमें भी जाने लोग, हम इसको मोटिवेशन की तरह ले लेते हैं।
अच्छी बात है। और उसके बाद हम अब स्कूल जब हम 10th 12th तक पहुंच चुके हैं, तो क्या सीन था? सेल्फ डिफेंस चल रहा था साइड बाय साइड, टाइकवांडो चल रहा था? नहीं, तब ताइक्वांडो, तब जब मैंने 10th पास आउट की तो देन मेरी गेम चेंज हो गई, मैंने वुशु खेलना शुरू कर दिया। तो वुशु भी मार्शल आर्ट की तरह ही है, वुशु गेम शुरू कर दी मैंने। तो वुशु में भी काफी ज्यादा खतरनाक कंपटीशन था, मैंने उसमें भी खेला, उसमें भी कई मैडल, उसमें भी मैंने नेशनल लगाया। तो देन जब 10th कर ली ना, उसके बाद कहते हैं ना वो अलग सा स्टोरी लाइन शुरू हो जाती है। हाँ भाई तब लड़के बस वो दौर था 11th और 12th का, मैंने उस जगह पे खराब किया। 11th तक मैंने गेम को फोकस किया, 12th में मैंने गेम को बिल्कुल बंद कट ऑफ कर दिया। 12th में थोड़ा स्टडी का भी था और साथ में थोड़ा पीछे नहीं तो अभी अभी वो अगर इस टॉपिक को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले जानेंगे कि आसपास माहौल कैसा है। क्या मम्मी आसपास अभी भी बैठी हुई है या फिर अभी मम्मी को? वो काफी देर पहले। अच्छा फिर ठीक है, तब हम इसको माहौल को डिस्कस इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम देखो, ये तो सबके साथ होता है, ये तो एक ऐसा कड़वा सच है जो सबने कराया हुआ है सबके साथ, कि उनका 10th 10th के बाद जो नए दोस्त बनते हैं, नई जिंदगी शुरू होती है, तो उनको समझ में आता है कि यार हम बड़े हो चुके हैं, अब हम हमारे पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हम जहाँ भी हम जाए वहाँ हमें लोग पहचानने लगे। और विद फेम लाइक के वुशु और टाइक्वांडो का फेम, जो ऑलरेडी एक बच्चा ऑलरेडी मशहूर है स्कूल में, वो जाता है तो वहाँ पर आपको अब तो वो ऐसे लगता है हमको कि अरे यार कहते पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे हम, पर अब क्या लगता है आपको कि अगर कुछ बदलना चाहो उस स्टेज पे क्या बदल सकते थे? अगर अभी आप जाओ पुराने वाले बंदे के पास और बोलो कि कैसे बोलोगे अपने अपने बंदे के अपने आप को पास्ट में जाके कि ये मत कर, तो क्या होगी वो पॉइंट चीज, और फिर हम उसको फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। मेरे सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं वापिस से पीछे जाऊं तो मैं वापिस से अपनी गेम को ऊपर फोकस कर सकूं, क्योंकि वो दौर मैंने खराब किया, अपना गेम को छोड़ के अलग चीजों में फोकस करना शुरू कर दोस्तों दिया के साथ बस घूमना, वो। क्या क्या गलत नहीं, हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि जो लोग बेचारे बच्चे या दोस्त वो ऐसा कर रहे हो तो वो अवॉइड कर दे। तो क्या है, जैसे दोस्तों के साथ घूमना हो गया, और फेसबुक चल गई थी क्या, फेसबुक और फेसबुक या सोशल मीडिया पर नहीं खेला सोशल था, मीडिया क्लैश पे मेरा ज्यादा इतना था नहीं। मैं ऑफ क्लैन खेलता था क्लैश ऑफ क्लैन बड़ा एक्चुअली। खेलता हूँ, बहुत क्लैश ऑफ क्लैन खेली है मैंने, कि मतलब पूरे मामा पूरे दिन पूरे फैमिली दिन। बहुत दुखी हो गई थी इससे, हाँ वो तो खेल खेल मैं बहुत चेंज, ज्यादा। अगर मैं अपना चेंज करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं चेंज करना चाहूंगा अपना फ्रेंड सर्कल, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में हम, और ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना चाहूंगा, मैं कहूंगा अपने दोस्तों को भी चेंज करूं, क्योंकि उन्होंने भी बर्बाद किया अपना टाइम, मैंने भी बर्बाद किया, हाँ तो वो चीज मैं चेंज कर सकूं। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, बंक बड़ी मारते थे स्कूल टाइम पे, इतनी बंक मारी हमने जो मेरे को लगता भी मारता तो नहीं मारनी ये चाहिए स... वैसे, तो एक हाँ लिमिटेड मारनी चाहिए ये हमने वो अच्छा वाली। है। बंक बंक पे मेरे पास है कुछ कहने को, लेकिन मैं पहले सुनना चाहूंगा कि और क्या क्या और क्या क्या सुधारेंगे हम। दूसरा लड़कियों के पीछे घूमना पड़ा क्या प्रोसेस क्या है, फिर मतलब हम ये एडिट आउट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मतलब स्कूल से ही घूमना बोले तो देखना, बेसिकली घूमना, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ के ही आ रहे हैं घर, पर देखना कि अच्छा ये बेचारी लड़की हमको पसंद है, ऐसा आपस में फिर बस मन की खुशी, ऐसे कहते हैं ना कि नैन सुख प्राप्ति कहते हैं ऐसे, कि बस अपने अपने आप देख के खुश रहना। यही है, बस हाँ यही है, और कोई कुछ है ही नहीं है। ये पर मैंने ये भी सुना कि लड़के बोलते हैं ये बंदी मेरी है, ये बंदी मेरी ये भी कर ये काफी जो बातें, भले वो उनको अब जानते नहीं हो या होता नहीं ये। हाँ, अब नहीं होता, जानते पता है क्यों नहीं होता? अब मुझे लगता है अब नहीं होता, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है ना, तो वो इतना स्टॉकिंग का स्टॉकिंग का कल्चर, हो। हाँ स्टॉकिंग कल्चर इतना हाई हो गया ना। पहले तो हम लोग स्कूल के बाहर खड़े हो जाते थे, तो सोचते थे चलो और रुक जाते हैं ताकि जो जो हमको अच्छा लगता है वो निकल जाए, पर अब क्या है कि अब वो निकले ना निकले उसके पीछे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे लोग वैसे ही ताक लगा के बैठे हैं। तो हम अब तो बहुत चीज़ें बदल चुकी है, लेकिन हम एज अ फन वे में इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसको रियलाइज कर रहे हैं, ना कि हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि भैया आप ऐसा करो, क्योंकि आप लोग कर सकते हो लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको बाद में रिग्रेट ही होगा, जैसे हम आज अपने रिग्रेट को ही अब सुधारने की कोशिश ही कर रहे हैं। तभी तो अब हम अगर कोई हमारे नीचे जो जूनियर्स हैं
उनको यही समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में कि एंजॉय कर रहे हो तो साथ साथ में अपनी स्टडी भी देखो, मतलब हम ये चीज एक्सपीरियंस और यही बोलते हैं मैं एक टीचर हूँ, अब मैं अपनी टीचिंग लाइन में मेरे साथ, अब क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वो 10th तक था, अब वो 12th तक है, तो अब मैं अगर उस टाइम पे वो 11th 12th तक होता ना तो मेरे वो दो साल जो मैंने 11th 12th में वेस्ट करे तो वो नहीं होते, नहीं होते तो एंजॉय भी होता और साथ में स्टडी भी मेरी एक लाइन में रहती, और वो दो साल हम लोगों को बताया क्योंकि जब हमारा दौर था तो नो इंटरनेट जीरो था, तब अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, अब मेरा स्कूल था गांधीनगर, गांधी जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ गांधीनगर हाई सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहां पे पूछने वाला कोई नहीं, ठीक है, तो हम लोग बल्कि हमारा स्कूल की छुट्टी जो होती थी जल्दी होती थी, और हमारे स्कूल के पास ही गर्ल हाई सेकेंडरी था, उनकी छुट्टी लेट होती थी, तो हम लोगों को फिर भी हम लोगों ने बंक मारनी है, मतलब स्कूल ही नहीं जाना, नहीं अब स्कूल घर पे जाएंगे तब जाएंगे जब लड़कियों की छुट्टी हो जाएगी, उनके गेट के पास बैठे रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल बात करते खड़े रहेंगे, हाँ भाई यशा जी गई वो गई, तो अब उसके बाद अब जब ये चीज अब हम जूनियर्स को देखते हैं, अब उनको समझाते हैं कि यार कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम स्कूल नहीं गए तो पूरे दिन खज्जल ही होना तुम्हें और कुछ नहीं करना, एक पार्क में बैठे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लोगे या फिर क्रिकेट खेल लोगे, ये तीन ही चीजें करोगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो इससे अच्छा है स्कूल जाओ, चाहे स्कूल में क्लास बंक कर लो बट स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, और वैसे भी लड़कियों से पहले तुम्हें छुट्टी हो जानी है, छुट्टी होने के बाद चले जाओ उनके पास, तो ये क्या नहीं भी हो रही छुट्टी, और मान लो तुम्हें करना भी है इंटरेक्शन तो कितने दिन देखोगे, मतलब मान लिया ठीक है कोई है सुंदर लड़की तुम्हें पसंद भी आ रही है, तुमने बंक भी कर लिया, एक दिन देख लिया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, तुम्हें अल्टीमेटली यही करना है क्या, वो चली जाएगी स्कूल छोड़ के तुम ऐसे देखते रहोगे क्या, तुम उसको खत्म करो ना अपनी स्टोरी, बात करो या मत करो, ऐसा नहीं कि उसको, ऐसे नहीं कि तुम दूर से ही, जैसे हम तो वो एक अलग अलग सब्जेक्ट चला जाता है, बट हाँ लोग हम लोगों ने ये सब ने, जब आप लोग स्कूल का बता रहे हो, हमारे कोचिंग टाइम पे होता था लोग कोचिंग बंक कर लेते थे, बाहर खड़े हो जाते थे, देखते थे कि अच्छा इसका बैच ये है, क्योंकि सेम कोचिंग होना बहुत टफ चांसेस है, बट डिफरेंट कोचिंग होती है तो वो बंदा दूसरी कोचिंग के लिए चला जाएगा कि उस कोचिंग में वो बंदी आती है, तो चलो वो वाला आज ट्राई कर लेते हैं, तो ये हम लोगों की जनरेशन ने झेला है, बट अल्टीमेट सच इस बात का यही है कि आप जब खुद सक्सेसफुल हो गए, जब आप खुद इस लायक हो गए, तो आपको वो चीज़ याद ही नहीं आएगी, जब आपको लगना शुरू हो जाएगा कि यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो कुछ कर पाया ही नहीं, और वो बंदी जिसको मैं देख रहा था वो भी अब वो इंटरेस्टेड भी नहीं होगी मुझ पर क्योंकि मैं इतना हुई नहीं काबिल, तो फिर वहाँ पर हमको रियलाइज़ होता है, वहाँ हमारे को लगता है यार टाइम वेस्ट कर दिया, ये जो था ना काम नहीं करना चाहिए था, तो वो काम इसीलिए गलत लगता है। खैर अब मैं, पता है मैं इस सारी डिस्कशन में मैं बस नेहा का फेस देख रहा था, मैंने कहा कुछ ऐसा ना हो जाए कि अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाए, मेरा गलत इंप्रेशन या आपस भाई बहनों में लड़ाई कर जाऊँ मैं, बट ऐसा नहीं है तो आज अब का डिस्क्लेमर ये है कि अब निखिल, आई थिंक निखिल के पास अपने एक बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड, क्या क्या कहना चाहेंगे आप अपने उस दोस्त के बारे में जिसने आपको दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड ही बन सकते हो आप, वही है जिसने ये सब करवाया है, उस पे भी आएंगे, उस पे आएंगे, तो निखिल के एक बेस्ट फ्रेंड है जिनके जिनके आइडिया के थ्रू इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई हम उस पर जाएंगे, तो नेहा आप उससे पहले आप कुछ कहना चाहोगे, आपने भी कुछ ऐसा अपने स्कूल टाइम में गलती करी हो जिसको आप रिग्रेट करो, नहीं कुछ नहीं स्टूडियस मैंने स्कूल आज तक, क्योंकि हमें 12 बजे छुट्टी हो जाती थी और हमारे स्कूल में था कि अगर किसी लड़की ने छुट्टी की है तो वो फोन करके पूछते थे घर पर कि क्यों किया है या समथिंग, तो इसलिए भी नहीं, बट हाँ हम क्लास बंक करते, बट टीचर्स को पता होता है ये क्लास बंक करते हैं, और हम खुद ही गर्ल्स ऐसे ग्रुप बना के खाते ही थे, इससे और कुछ ज्यादा नहीं, बाहर जाने नहीं देते थे क्या, बाहर जाने नहीं देते थे, लड़कियां बहुत अच्छे से बंक करती है, मतलब वो ऐसे अच्छे से सुन लेते हैं, मतलब और नहीं है, मतलब मैं एक बार मैंने देखा एक बैग ऐसे उतारी खुद भी जा रही हूं, मैं देख रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, क्यों जा रही हूं बाहर, क्या है, कुछ भी नहीं है,
क्योंकि जब मैं सुनती हूँ ना गर्ल्स या बॉय से हमने ये किया हमने वो किया तो सोचती हूँ फिर मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, अब वो भी उसपे भी आएंगे। खैर तो अभी क्या है ना, मैंने मतलब मैंने ये किसी को नहीं बताया, मैंने एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा करके मूवी आई थी, ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट एक्टर है, मतलब मुझे इसकी एक्टिंग से ज्यादा उसका पर्सोना अच्छा लगता है। तो एक्टिंग और एक्टिंग को मैं मतलब मेरा कुछ नॉलेज है नहीं, मुझे एक्टर बनना नहीं था, तो बट मैं पर्सोना देखता हूँ कि ये पर्सन अच्छा लग रहा है। शाहरुख खान है, चार्म उनका बहुत ख़तरनाक है, आप उनके जैसे आप लोग आप चार्म उनसे सीखना हो तो चार्म सीखना हो तो शाहरुख खान से सीखो। ऐसे ही ऋतिक रोशन के अगर लुक्स, उनके पहनावा, उनके मतलब बिहेवियर वो उनसे, तो ऐसी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा करके मूवी थी वो आई थी, कॉलेज का टाइम था मेरे पास, कॉलेज के टाइम में ज़्यादा रुपए होते नहीं थे, बट मैंने घर वालों से रुपए समोसे खाने के लिए लेता रहता था, 50-50, 20-20 रुपए करके करा के मैंने कर लिए। सेकंड ईयर या थर्ड ईयर चल रहा था कॉलेज का, थर्ड ईयर तक हम हो ही जाते हैं शेयर शेयर टाइप बन जाते हैं कि भैया जो करना है कर लेंगे, बताएंगे नहीं किसी को। तो उस टाइम मैंने लाइफ का पहला बंक मार के मूवी देखने गया था, तो ऐसा बंक मैंने कभी नहीं मारा कि बंक मारो और मूवी देखने जाओ। तो वो मैंने एक एक्सपीरियंस कर लिया कि बंक मारा, मूवी देखी और फिर कॉलेज गया, कपड़े कॉलेज के पहन के बैठे हैं मूवी हॉल में और कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा। तो हमको ये बड़ा, मेरे को ये बहुत सही एक्सपीरियंस लगता है कि बंक मार के मूवी यूटिलाइज भी करो उस टाइम को। तो ये भी मैंने ये कहानी कहीं शेयर नहीं करी, हो सकता है मैं इसको काट लूँ, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो हाँ अब हम आपके पास भी है, आपने भी करा ऐसा कुछ, बताओ बताओ साहब। बिल्कुल बहुत मूवी देखी मैं इशारा कर रही हूँ भाई की तरफ कि तुम भी ऐसे ही करते थे। बताओ बताओ कौन सी थी मूवी बताइए। मैंने कई सारी मूवीज देखी हैं, हमने ब्रदर्स देखी थी, बंक मार के देखी थी। हाँ। ब्रदर्स थी तो मैंने बंक मार के ही देखी थी, फिर मतलब बहुत सारी, अभी तो मूवीज का नाम भी नहीं याद कि कौन थी। एक मेरे को जो मेमोरेबल मूवी है वो ब्रदर्स ही थी, क्योंकि उसमें हम सभी दोस्त ने कहा कि नहीं ये मूवी देखनी जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, अब उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय कुमार, वही वाली ना जो लड़ाई करते भाई लोग। हाँ, वो क्योंकि मेरा हमारा फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर थे भी हम प्लेयर ही, चार पांच थे और हम लोगों के लिए नहीं भाई ये मूवी तो देखनी है, चलो फिर। तो मूवीज तो सही था, लेकिन जो मेरा बड़ा स्ट्रगल था ना कि बंक तो चलो कर ही लेंगे, लेकिन पैसे का इंतजाम कैसे करना, तो उसके लिए मैंने पहले से प्रिपरेशन करी थी कि समोसे के पैसे बचाओ समोसे के। हमारे में भी यही होता था कि जब कोई मूवी अच्छी सी आ रही है हमने क्या करना है, पैसे कलेक्ट करने हैं किसी से, कल तेरे पास आता है तू बता जैसे इसके पास आता है, ये ऐसे करके हम मूवीज देखने जाते थे। तो यही होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज ये हमने पैसे कैसे इकट्ठे करें। कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया सब चीजों का कि अरे तू वहां मिल जाएगी और ये यहाँ हो जाएगा। बट यही है एक्सपीरियंस को, अगर हम इसको देखें ना, इसको बुरी आदत के चक्कर से नहीं देखें या फिर नहीं पालें इसको, अगर एक्सपीरियंस देखें तो एक्सपीरियंस के हिसाब से करनी चाहिए जीवन में सारी चीज़ें। और अगर जैसी ओवर चली जाती है ना लिमिट से ऊपर, तो वो अगर हम खुद नहीं देख पा रहे तो हमारे घर वाले आसपास के बता ही देते हैं कि बेटा तुम ओवर कर रहे हो, ये चीज़ को सुधार लो, या फिर जब कोई पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है तो हमें समझ में आता है कि ये है ओवर। और जो नहीं मान रहा है इस चीज़ को वो बंदा गलत जा रहा है, जिसको पता है ओवर कर रहा है और नहीं मान रहा वो गलत है, उसकी हम कड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और वो बेचारा बच्चा बेल्टों से पिटना चाहिए जो बच्चा मान नहीं रहा है और करे जा रहा है एक ही काम बार बार। खैर अब हम सोशल मीडिया की फेम की तरफ जाएंगे और बात करेंगे कि क्या हुआ था पहला पोस्ट, कैसे आइडिया आया उसका, किसने क्या सजेस्ट किया और वो कैसे डाली, किस मुहूर्त में डाली वो वीडियो, और वो कुछ टैग वैग लगाए नहीं लगाए, क्या था बताइए आप उसके बारे में कुछ। फर्स्ट जब हमने वीडियो बनाई थी तो सबसे पहले तो एक मेरे दोस्त ने ही सजेस्ट की, जिसके बारे में नेहा ने आपको पहले ही बताया कि उसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम क्यों नहीं करते दोबारा, आप बता सकते हैं। वैसे शर्माने और मेरे की कोई सीट है नहीं। मेरे एक दोस्त है उसका मैं अभी नाम क्या लूं क्योंकि अभी हम दोनों में थोड़ी थोड़ी अनबन चलती रहती है, तो उस वजह से तो उसने उसने मेरे को सजेस्ट किया था। तो
यही चीज मैंने अपनी बड़ी दीदी को भी कहा था। दीदी कह रही थी कि तू डाल सकता है, तू प्रोफेशनल प्लेयर है, तू कोच है, तू एक्सरसाइजेस की वीडियोस भी डाल सकता है। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि यार चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि हम दोनों का ये था कि हम जब कोई भी टूर्नामेंट, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो हमें इतना नॉलेज नहीं था, जब हम अच्छे से गेम के बारे में नॉलेज आ गया तो हम, जब हमारा कोई कंपटीशन एंड होता था तो उसमें चीफ गेस्ट को बुलाया था, तो चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए गेम को बताना पड़ता था कि हाँ भाई हमारी गेम यही है, तो उसमें भी हम सेल्फ डिफेंस के ऐसे स्टंट करके दिखाते थे, तो ऐसे ही चीजों को हम दिखाते, हम वो डेमो दिखाते थे। तो जो पहली वीडियो जो हमने बनाई थी वो हमारी पिछली डेमो ही थी, तो अच्छा उसी को हमने वापस रिपीटली कैमरे पे उतारा, कैमरे पे बनाया, तो हम मैंने बनाया एंड देन मैंने चढ़ा दी। तो स्टार्टिंग में मैं बस हफ्ते में एक या दो वीडियो डालता था, और तब कोविड का टाइम था, तभी हमारी तो रीच मतलब 2000 हाँ तभी मतलब आता था हमारा स्टार्टिंग में ही हमारा 1000 व्यू चले जाते, चले पहली जाते पहली वीडियो मेरे को आज भी याद है 2000 वो, 5 से हाँ ऊपर की है। 500 व्यूज था उसका, मेरे को हाँ याद है 500 व्यूज आया था। मैंने बोला यार 500 व्यू, हम तो खुश हो गए कि 500 व्यू। तीन चार डाली थी फिर 5000 पे फिर आई धीरे थी। धीरे बढ़ने लगा, फिर पहली डाली, दूसरी डाली 2000, 2000 1500, फिर तीसरी डाली 2000 1500, फिर पांचवी वीडियो मेरे को याद है, जिसमें पांचवी वीडियो में 5000 व्यू आया। तो मैंने बोला यार ये सही है, अच्छा था तो स्टार्टिंग फिर में। मैंने डिसाइड करा कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस बनाई अपने, मेरे जो स्टूडेंट्स थे जो हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे तो उनको भी लिया, उनके साथ मैंने वीडियोस बनाई। तो उनमें से एक वीडियो थी, वो भी मतलब हमारे नॉन में ही है, लड़की है वो, उसके साथ बनी, तो वो वीडियो एकदम से वायरल हो गई। तन जैसे वो वायरल हुई उस वीडियो के कारण, तब हमारी कम ही बिकी बट थी। एक्चुअली में उस वीडियो में कुछ सेल्फ डिफेंस हाँ नहीं नहीं है, हाँ कुछ मतलब कुछ नॉलेज नहीं है उसमें उसमें हमने ऐसे ही, एक्चुअली। मैंने बोला तू, मतलब वो वीडियो पता कैसे बनाई कि हम, मैंने ऐसे बोला चल यार तू इधर से उतर, मैं तेरे को बॉल मारता हूँ, तू मेरे को कॉपी से मार देना, बस वो इतनी भी। अच्छा और वो वीडियो वो एकदम से, और मेरे को वो जब वीडियो बनी थी ना तब भी मुझे बड़ी पसंद आई थी, वहां यार क्या वीडियो है, तो वो मुझे तब भी बड़ी पसंद आई थी। तो उसके बाद मतलब वो वीडियो इस तरह से वायरल हुई, पहले दिन ही वो उसने 10,000 पहुंच गई। तो मैंने बोला कि यार ये देख 10,000 पहुंच गई, तो फिर उसके बाद तुम्हारे वो स्टक फॉलोअर्स हो भी गई, बढ़ने। तब वो स्टक हो गई कि हाँ भाई इधर ही। तो देन फिर मैं बाहर, क्योंकि फिर मेरा ये था कि मैं रेगुलर वीडियोस डालने लग पड़ा, और तब ठंड का, ठंड थी हमारे इधर तो थोड़ी ठंड वगैरह हो चुकी थी, तो मेरा नेशनल था, मैं नेशनल चला गया। तो मैंने इसको पीछे से बोला कि तू वीडियो डब बनाते रहना, मेरा भाई है, कजन ब्रदर है, वो भी खेलता है, तो मैंने उसको बोला मैं तू बनाते। जब हम वहां पे गए तो ये मेरे को पता नहीं लगा, वो एकदम से वीडियो धीरे धीरे ऊपर चलती चलती गई चलती गई चलती मिलियंस गई, में वो 10 मिलियन, फिर 20 मिलियन, फिर 25 मिलियन। मैंने बोला भाई इतना, और वो एकदम से हमारे 1,100 की हो गई, हमारे अरे वाह, 100 मतलब वन ऐसे हंड्रेड के ऐसे जो नीचे हाँ सर्च कर, ऐसे सर्च कर रहे हैं फॉलोअर्स ऐसे यार। बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब रुके नहीं वो, वो वीडियो एक दो ने दिन में बढ़ बड़ा गए बड़ा, थे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो अब हमें कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि अब हम वो वहां पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें जाना था। नॉलेज, तो अब थोड़ा अलग से फिर हमने अपनी वीडियो को थोड़ा कंसेप्ट को चेंज करा। हम पहले क्या करते थे, सिचुएशन बनाते थे कि इस तरह से मैं तेरे को छेड़ूंगा और तू इस तरह से डिफेंड करेगी, एंड देन उसी डिफेंड को हम स्लो मोशन में बताएंगे हाँ कि ये तो आपको हमारे कैसे करना है। रियलिटी में भी है, जैसे वो लोग कुछ ऐसे सिचुएशन उसके रिलेटेड भी हमने पर अपने। हमने फिर धीरे धीरे ये चीजें करना शुरू करी कि लड़कियों के साथ किस तरह से मिसबिहेव होता है। पहले तो हम यही सोचते रहे कि हाँ पहले हम ये चीज पे देखें कि कहाँ पे और सबसे ज्यादा किस जगह पे बदतमीजियां होती हैं, किस जगह पे मिसबिहेव होता है। तो हमने ट्रांसपोर्ट पे भी बनाई, हमने कहीं लड़की रोड पे जाती है तो बनाई, कोई ऐसे खड़े खड़े छेड़ता है तो बनाई, और इस चीज पर भी बनाई कि आपके पास क्या चीजें हैं और आप किस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा, जिसमें आपको मार्शल आर्ट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, मार्शल आर्ट की नॉलेज चाहिए नहीं, उस बस आपको ये देखना है कि आपके पास क्या है, और बस ये ध्यान देना है कि आपको गलत अपने साथ होने नहीं देना, बस इतना ही हमारा कंसेप्ट था और अभी भी यही है। मुझे लगता है वैसी ही ऑडियंस है जो ये जानना चाहती है, जो ये देखना चाहती है कि एटलीस्ट चाहे लड़का या लड़की, पर वो उस सिचुएशन में क्या कर ले, जब जहां उसको
स्किल्स की वजह से नहीं जीतना पड़े, या जहाँ उसको स्किल्स की वजह से रिएक्ट ना करना पड़े, बट उस माइंडसेट या उस तरीके की वजह से, तरीके की तरह रिएक्ट करना पड़े कि अच्छा मैं हूँ ऐसी सिचुएशन में हूँ तो ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा कर सकती हूँ। तो मैंने पिछली बार भी डिस्कस कर रहा था मैं नेहा से, तो वो सॉरी, तो नेहा बता सकती है या फिर दोनों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना माइंडसेट कैसे इस काबिल बनाया, या अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग किया कि यार, क्योंकि हम जब लड़ाई में होते हैं ना, जब हम एक बैटल या कॉम्बैट या किसी ऐसे स्पोर्ट में होते हैं जहाँ पे दूसरे बंदे को चोट लग सकती है या इवन हमको भी लग सकती है, हमारे उसने गलती से मार दिया, हमारे मुंह पे लग गई, आँख पे लग गई, तो हमको एक एक फियर रहता है। और ऐसा जब दूसरे को मारा है तो हमको फील भी होता है कि मतलब हम, हमारे सेंसेस तो हैं ही ना कि हमने कितनी तेज मारा है, उसको कैसा रिएक्ट हुआ है, तो हमारे पास एक फियर कंज्यूम भी करते हैं हम कि अच्छा ऐसे मारने पर ऐसा लगता होगा, हमें नहीं लग रहा पर इसको लगता होगा ऐसा, तो वो एक फियर कहीं ना कहीं बैठ जाता है। और पर उस पर अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना, वो कैसे किया, उसके लिए क्या क्या किया आपने, निखिल ने और नेहा ने, दोनों ने अपने क्या क्या अप्रोचेस थे? अगर मतलब पेज स्टार्ट करने के बाद अगर माइंडसेट बना है तो वो अपने हमारे फॉलोअर्स की वजह से बना है. सही बोल, उनके मैसेजेस एंड ऑल कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, उस वजह से भी आपका माइंडसेट बनता है. थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं हम कर सकते हैं. रही बात फेयर की, तो आज भी फेयर है कि लग जाएगी, मुझे है, भाई का पता नहीं बट मुझे है, क्योंकि मैं जब मारती हूँ ना तो मुझे फेयर होता है लग ना जाए इसे कहीं, मतलब जोर से ना लग जाए कि बाप पता चले कि हॉस्पिटल में है. हाँ तो माइंडसेट आई थिंक मैसेज एंड जो आपके पीछे सपोर्ट है ना, उस वजह से बनता है आपका माइंडसेट, और आप उस वजह से थोड़े कॉन्फिडेंट होते हो और साथ में ब्रेव भी हो जाते हो, नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं पॉजिटिव मैसेज की वजह से. मेरे लिए भी यही है कि मैं कहूंगा कि देखो सिंपल सी बात है, हम जब वीडियो कोई भी बनाते हैं ना तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैसेजेस होते हैं। तो जब भी हम ऐसी वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज्यादातर मैं पॉजिटिव मैसेज पे ध्यान देता हूँ। वो जो मैसेजेस होते हैं ना तो वो हमें बड़ी ज्यादा मतलब पिच करता है कि नहीं और आगे हम बढ़ना, और आगे आगे बढ़ना, बढ़ना. और आगे बढ़ना। तो कई बार हमारा डाउनफॉल होता है, हम सोचते हैं यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं बन बट तब रहा, भी एक कहीं ना कहीं मैसेज आता है और हम देन फिर अप हो जाते हैं, नहीं अच्छा नहीं अच्छा करना. अच्छे मैसेजेस की बात कर रहे हैं तो कैसे कैसे देखो अच्छे मैसेज बताओ आप, एक आध हमके भी साथ, हमारे साथ भी। मैं समझ लो मैं बड़ा ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि यार, क्योंकि देखो सिंपल मेरे लिए, हमें आगे वाला फ्यूचर नहीं दिखता एक्चुअली में, हाँ नहीं वो सब दिखता, वो उस वजह से ज्यादा डाउनफॉल होता है. हम देखते हैं कि यार अगर यही सब करते रहे, वैसे भी अभी तक जब से हम बना रहे चाल हो गया हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट, सिंपल ये है कि फॉलोअर्स मिले, हमारे पीछे फाइनेंशियली फैन सपोर्ट कोई नहीं है, तो नहीं है, हम खुद हम खुद ही करते करते हैं, तो खुद के ही पैसा लगाते हैं, खुद ही कर रहे हैं, और आज तक हमें फाइनेंशियली कहीं पे सपोर्ट मिली भी नहीं। तो सबसे बड़ा डाउनफॉल यही था कि यार अब फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं पर हमारे पास फॉलोअर्स है सपोर्ट उन. नहीं है, तो अब हम क्या करें, किस तरह से अपने आप को उनको, कि उनको भी कुछ ना कुछ न्यू चाहिए. हाँ क्योंकि हाँ ये सिंपल है, हम भी हमारा भी कंसेप्ट ये है कि ये नहीं है कि भाई एक ही चीज को घसीटते रहो। हम मेरे साथ हमारे साथ एक लड़का है वो हमारी बहुत हेल्प करता है, तो हम बहुत जब भी बोलते हैं कि यार ईशान ऐसे कर लें, वो बोलेगा यार, आप यार पहले भी तो सेम किया विद, आप सेम क्यों करे जा रहे हो, आप क्या चाहते हो? मैं वहां पर सही कमेंट करूंगी कि आप सेम कर रहे बात है। हो. तो ये चीजें हैं कि फिर हमें बड़ा रिग्रेट होता है। देन उसके बाद कोई ना कोई मतलब पता नहीं अब क्या है, कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर करेगा कि यार आप हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, यार मैंने अपनी सिस्टर को सिखाया, यार यार मैं मैंने अपनी उसे मम्मा को दिखाता हूँ, दिखाती हूँ तो समथिंग. वो चीज ना हम फिर बोलते है, तो इस मतलब इस चैनल पे इसको ही रखा है मैंने, तो जब मैं भी पढ़ता हूँ तो जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बड़ा आता है कि मैं इसको दिखाता हूँ, ये देख इन्होंने ऐसे लिखा, तो फिर हमें आता मैंने है कि तो स्क्रीनशॉट लेके भी रखे हुए कि हमें होता ही नहीं सही. यार वो पीछे अच्छे हैं। अच्छी यादें हैं वो, आप चाहो तो उनका स्क्रीनशॉट को रख के ना एक एक चाहो तो कोलाज भी बना सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट वो एक मोटिवेशन देता रहेगा, या जिस दीवार पे लगे होगे वहां जब से निकलोगे ना एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। आइडिया देने के लिए नहीं, बहुत मोटिवेशन हाँ। और वैसे उस माइंडसेट की भी बात कर सकते हैं ना हम, जब मैं उसको भी जानना चाहता हूँ, जब आप फाइट में होते हो, या बेसिकली हम मेंटली भी स्ट्रांग बोलते हैं ना कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए बंदा, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए बंदा फाइट या कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, तो मेंटली स्ट्रांग कैसे बनते कैसे हैं, सब ये बोल के चले जाते हैं भाई मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, पर कैसे हो जाए कोई?
मेंटली स्ट्रांग, सिंपल मैं बताऊं तो मेंटली स्ट्रांग कोई भी नहीं होता, वो होता है आपकी रेगुलर बेसिस पे वर्क पे। अगर मैं हूं एक प्लेयर हूं तो मैं अगर रेगुलर मेहनत कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा। अब कहने की बात ये होती है, अब मैं हूं, मैं एक प्लेयर हूं तो मैं एक अगले प्लेयर के भी रिस्पेक्ट करता हूं। अगर मैं जीतता हूं तो मैं फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करूंगा क्योंकि उसने मेरी टक्कर दी है। अगर मैं हारता हूँ फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि उसने मेरे से ज्यादा मेहनत करी है, उसलिए उसको जीत मिली है। तो जो एक प्लेयर रेगुलर बेसिस पे या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में जो मेहनत करता है तो उसकी रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारे लिए माइंडसेट का कहना मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई खुद पॉजिटिव रहना, अगला हो या ना हो एक इसका कोई इशू नहीं है। पॉजिटिविटी मिलती है आगे पीछे से। अगर मैं जीत रहा हूँ तो मेरे में नॉलेज, सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर मैं जीत रहा हूँ ना हर वक्त, तो मतलब एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं बड़े गंदे नीचे बहुत बड़े बुरी। गंदे हाँ तरीके से नीचे गिरूंगा, जो ओवर हो तो जाता फिर है। वो ओवर हो जाता है। जीतना और हारना हमेशा रहता है और हमारे प्लेयर्स के दिमाग में यही होता है। और मेरी जो मैम एक कोच हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि यार जी हार गए तो क्या हो गया, आज हारे तो क्या है, मेहनत करेंगे फिर से जीतेंगे, कोई ना कोई तो दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम जीतेंगे। तो बस इसी चीज को लेके चलता हूँ मैं कि आज नहीं तो कल सही, अभी नहीं तो किसी और दिन सही, वो होगा जरूर होगा। तो यही माइंडसेट मेरा रहता है, बस इसी अच्छा, हिसाब से चलता आप हूँ। सीखा कैसे? नेहा नेहा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने कब ऐसे हार झेली है? जैसे मेरे को पता चला कि जहाँ रेड बेल्ट से हारे ऐसा, क्योंकि नेहा तो गोल्ड मेडल ले ही आई थी, तो उनको तो कोई ऐसी टक्कर मिली, कोई मिली ऐसी टक्कर जहाँ पर उनको? मैं वुशु में हारी हूँ, हारी नहीं हूँ, मतलब मेरा सिल्वर आया था एक्चुअली में। हाँ नहीं हुआ हारी नहीं, मतलब सिल्वर क्या हुआ था उस मैच में, बयां करें कुछ तो आया था, पंच बचा एक्चुअली उसमें पंचेस थे ना, मेरे को कोई नॉलेज नहीं, 1% की भी नॉलेज, अगर नॉलेज होती ना तो मैंने छोड़ना नहीं था उसे, क्योंकि जब मैंने नेक्स्ट टाइम खेला था ना तो मैंने गोल्ड मेडल लेकर आई थी और मैंने अच्छा खासा मारा था। पहली बार में वो लड़की थी वुशु की प्लेयर, मुझे पता नहीं था कि पंच फेस पर बजते हैं, उसने एक पंच मारा उसके बाद नहीं मैं उठी मैं उठी ही नहीं एक्चुअली, मैं वहीं पर हार गई, मतलब मेरा आगे बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, शायद उसने नोज पर नॉकआउट हाँ कुछ किया था उसने, और मेरे को था कि मेरे को किक्स चलानी है, वो जब मैं किक्स चलाती वो पकड़ती तो मेरे को सीधा नीचे मैं ऐसे चुपचाप गिरी कि मैं क्या हूँ, क्या रहा है यार मेरे साथ क्योंकि उससे जो पहले जो मैं क्या कहते हैं राउंड्स हुए थे मेरे सिल्वर मेडल तक जो पहुंची थी वो नॉर्मल मैंने किक्स से कर लिया, तभी तब तक भी मुझे नॉलेज नहीं मिली कि हो क्या रहा है मुझे, मैं कर रही हूँ अपने, जब टक्कर वाले आए ना फिर मेरे को पता चला नहीं इसमें पंच बजते हैं, इसमें हालत बुरी होगी मेरी, तब फर्स्ट टाइम मेरा बुशु में सिल्वर मेडल आया था, तब मेरे को पता चला नहीं हारना भी चाहिए, अच्छा होता हारने के पर लिए मैं देख पा रहा हूँ वो गुस्सा अभी भी था जो जब ये बताया ना कि मैं हार गई, और लेकिन मैं दोबारा में जरूर जीत गई, तो वो भी। हाँ मैं चाहती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अभी फिर से ज्वाइन करूँ, फिर से बुशु खेलूँ, क्योंकि उसमें बहुत मजा है, आप जब मार खाओगे किसी को मारोगे ना उफ, वो सुकून मैं बयान नहीं कर सकती हूँ सच है ये लेकिन जब एक्सपीरियंस मार है। मार पड़ती है ना, जब मतलब सामने वाला लगा रहा है घूसा या फिर जो भी, तो हम तो इस चीज से मुझे ये समझ में आया कि जब हमें नहीं आता ना कुछ, तब हम हार मान लेते हैं। तो ये एक बात फैक्टफुल लग रही है कि किसी ने मारा और हमको लगता है, खुद को पता है, लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता इस सिचुएशन में सिवाय पिटने के, तो हम फिर गिव अप कर देते हैं, हमारा दिमाग बोलता है कि भाई छोड़ दे। हाँ बट माइंड में ये चीज जरूर याद रखनी है कि अगर आप आज हारे हो तो घर हाँ जाके सोचो कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, अगर मैंने यहाँ पर मार खाई है तो मैं नेक्स्ट टाइम कैसे जीतूं, तो ये माइंड सेट है मेरा बिल्कुल, कि अगर आज जीतती हूँ तो मुझे कल जीतना है, हाँ कल मुझे उसी के लिए, गेम्स में खासकर बिल्कुल गेम्स में उस है कि अगर आज मैं हारी तो मुझे जीतना है बिल्कुल तो बिल्कुल इस उसी के लिए। जब हम पहली, तो ये माइंडसेट पे था ना मैं, तो माइंडसेट में जब हमको पहले पड़ी है, मुंह पे पड़ी है, चाहे लात पड़ी है, हम नहीं कर पाए उसे, क्या कहते हैं, डिफेंस नहीं कर पाए, तो उस केस में हमको पता चल गया कि भाई डिफेंस नहीं है और आता भी नहीं है, इसलिए हम पिट रहे हैं। तो या तो आप उस पर काम करो या अपने दिमाग को इतने स्ट्रांग बनाओ, जब आप काम करोगे तब तो आपका बाई डिफॉल्ट माइंड उस डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा और आप स्ट्रांग हो जाओगे। डाउनफॉल तो आते हैं, आप किसी चीज में जा रहे हो ना तो आपको तभी वो पॉजिटिव चीजें नहीं दिखती हैं, तभी आपके साथ अच्छा नहीं होता, पहले आपको करना पड़ेगा देन फिर आपको कहीं जाके रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल तो रही बात अगर माइंड सेट की, तो माइंड सेट तभी बनेगा जब आप किसी चीज को स्टार्ट करोगे।
आप अगर आप स्टार्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं हमें ये करना है, हमारे ये चीज हमारे लिए सही है। किसी टाइम पर होता है कि आप कोई गलत चीज उठा लेते हो, तो इससे अच्छा है कि चेंज कर लो, क्योंकि किसी टाइम पर होता है कि उस चीज में आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता जितना मेहनत कर। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपना चेंज कर लो, अपना पाथ ही चेंज कर लो कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। आई थिंक माइंड सेट तभी बनेगा जब आप किसी चीज को स्टार्ट करोगे, तब तक नहीं बन सकते। तब तक आप सोचोगे और देन आप फिर वहीं पर बैठ जाओगे जैसे मैं करती हूँ।